आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को मैंने पिथौरागढ़ से कवर किया है, तो कुछ दूरियों की जानकारी दे रहा हूँ और साथ में संभावित समय कितना लगता है वो भी। अभी हम लोग निकले हैं अस्कोट से और पहुँचने वाले हैं धारचूला, तो बीच में हम लोग रुके हुए हैं। ये काली नदी जो भारत को और नेपाल को अलग करती है, जो राइट साइड है ये इंडिया है और लेफ्ट साइड में नेपाल, और ये नेपाल के कुछ गांव आबादी और रोड ये सब दिखाई दे रही है। और ये रास्ता ऐसे ही आगे जाएगा गुंजी तक, ये नदी ही बॉर्डर का काम करेगी। ये नेपाल के गांव और घर वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, और ये काली नदी, और ये नेपाल का हाईवे है महाकाली हाईवे। और इसी पर जब हम आगे जाएंगे तो गुंजी के बाद फिर हमें चाइना बॉर्डर मिल जाएगा। एक समय ऐसा था जब जो सड़क थी वो अस्कोट में आकर ख़त्म हो जाती थी। ये कहा जाता था कि अस्कोट के बाद कोई रास्ता नहीं है, जो प्राचीन मार्ग हुआ करते थे प्रचलित उन्हीं पर लोग चलते थे, सिंगल मार्ग हुआ करता था। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सेना की ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ सब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और आज उसी रोड को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस इलाके की सुंदरता बहुत हम लोगों को लुभा रही है, बहुत ही अच्छी, इतनी ग्रीनरी। जबकि अभी ये जून का फर्स्ट वीक है, गर्मी ही कहेंगे, तो मैं यही अंदाज़ा लगा रहा था बैठे बैठे कि जब कभी ये बरसात खा लेंगे पहाड़ यहाँ के 2 महीने की, तब क्या आलम होगा। तो ऐसा लगता है कि अभी अक्टूबर में दोबारा आना पड़ेगा इसकी असली सुंदरता को देखने के लिए। हमें अच्छे रास्ते के बाद कुछ ख़राब रास्ते भी मिले, जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए रास्तों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और किसी तरह से निकलना संभव है, खासकर गाड़ी आपकी नई हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, पावरफुल गाड़ी हो, तभी यहाँ से अपनी गाड़ी से जा पाना संभव है। और वहाँ से निकले 40 क्विंटल की ये जानकारी खासकर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं और हमारे साथ अपनी गाड़ी से चलने का, लेकिन इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि ये पूरी टेरेन, ये क्षेत्र इतना आसान ड्राइविंग के लिए नहीं है। ये सचमुच रोमांचक है, नीचे महाकाली नदी बह रही है, और ये सब कुछ नेपाल है, नेपाल का धारचूला, और यही हमारी तरफ धारचूला है। तो ये जो आबादी है ये इंडिया में है धारचूला, और काली नदी के उस पार ये नेपाल। बहुत बड़ी आबादी है, जो इंडिया की तरफ धारचूला है वहाँ पूरे मकान और वो लगभग एक जैसा ही कलर कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, नीले रंग और हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल ज़्यादा है घरों की पुताई में, लगभग वैसा ही सीन दूसरी तरफ और इस तरफ। यहाँ से हम दोनों में अंतर बहुत साफ देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में है ये हिस्सा, ये भारत का धारचूला, और ये रोड जिससे हम लोग आए हुए हैं, बीच में नदी, और इस तरफ नेपाल। ये इंडिया का बॉर्डर और गेट झूला पुल से, और अब हम आ गए हैं नेपाल सीमा में। वेलकम टू नेपाल, और ये यहाँ के मार्केट। अब हम नेपाल सीमा में हैं। हमारे उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो वास्तव में प्राथमिकता में नहीं है, और वो आज तजुर्बा हो भी रहा है। हम लोग अभी गए थे लेह लद्दाख, और वहाँ पर हमने पेंगडांसो लेक के लिए इनर लाइन परमिट लेना था, ऑनलाइन अप्लाई किया, अपनी जानकारी दी, जो फ़ीस देनी थी वो दी, और तुरंत परमिट ऑनलाइन ही हमें मिल गया।
अब यहाँ बहुत सारी, जैसे एक हमें हलफनामा देना पड़ा कि हमें पता है आगे की रोड बहुत ख़राब है, अगर हमारे शरीर को कोई क्षति हो जाती है, जान को कोई क्षति होती है तो प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब प्रशासन ने अपना पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया हमारा हलफनामा लेके, उसके बाद भी अभी हमें परमिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बेकार हैं और कहीं ना कहीं में बहुत सुधार की ज़रूरत है। सबसे अच्छा ये लोग जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख क्षेत्र का जो पर्यटन का नियम है उसको अपनाएं, जिसमें ऑनलाइन सारी जानकारी हमें देनी होती है और वहीं से ऑनलाइन हमें परमिट मिल जाता है। तो ये बीच में बहुत सारे व्यवस्थाएँ हैं कि इस टेबल उस टेबल, थाने जाना है, अस्पताल जाना है, एक हलफनामा बनवाना है, उन सब चीज़ों से मुक्त किया जाना चाहिए, तभी पर्यटन ठीक चल पाएगा। धारचूला के बाद रोड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब मिली और यहाँ ड्राइविंग करना वास्तव में बड़ा मुश्किल का काम था। अभी नई रोड कटी है और बहुत सकरी है, बहुत जगह ज़्यादा उबड़ खाबड़ ऊंची नीची ऐसी स्थिति से निकलना पड़ रहा है। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी आप प्लान करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपको ऐसे रास्तों से गुजरना है। मकसद सिर्फ यही है ताकि आपको एक पूर्वानुमान दिया जा सके यहाँ के रास्तों का। और जब भी कोई गाड़ी आती है बहुत दूर से अंदाज़ा लगाकर हमें बचाना होता है या उसको इशारा करना होता है कि आप मुझे रास्ता दें। बगल में काली नदी और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे, कटिंग का काम भी चल रहा है और रास्ता भी चल रहा है, कहीं कहीं अचानक से रास्ता रुक भी जाता है, काफ़ी है। अच्छा, तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे मनाली जाने में महसूस होता है कि इधर व्यास नदी बह रही है और बगल में हम जा रहे हैं, वहाँ भी इसी तरह के पहाड़ सड़क पर लटके हुए, लगभग उसी तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिला और वही याद आया। कहीं कहीं तो पहाड़ इतने लटके हुए हैं कि छतरी नुमा बन गया है वहाँ, जैसे आप एक छत के नीचे से गुजर के जा रहे हैं। व्यास नदी पहाड़ ऐसे ही लटके हुए, लगभग ऐसा ही दृश्य तब पैदा होता है जब हम मनाली जाते हैं। अभी तो लग रहा है कैसे जाएगा, आप देख सकते हैं मलबे के ढेर में जो भूस्खलन हुआ है उसके ऊपर से एक रास्ता बना दिया गया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि एक नंदी की प्रतिमा की स्थापना के लिए जा रहे हैं, 40 क्विंटल की है और पीछे वो मिनी ट्रक से आ रही है, कि उसको ड्राइवर को कितना संतुलन बनाकर यहाँ से निकालना होगा, इस चीज़ को भी लेकर हम लोग चिंतित रहो। इन रास्तों से गुजरते हुए कुंजी तक का सफर ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ऐसा ही है और सभी लोग संयम बरतते हैं।
बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और पीछे करीब 8 किलोमीटर से बिल्कुल कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग। अभी पुल मिला है और इधर भी आप देख सकते हैं पूरा कच्चा रास्ता है ये, पथरीला। और दुर्गम इसलिए कह रहा हूँ कि जो गाड़ी है हमारी स्कॉर्पियो बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं। रोड बहुत ही गहरी बम्पी इस तरह की है, आप देख सकते हैं, जैसे इस गाड़ी का मूवमेंट देख सकते हैं आप कि कितनी बम्पी रोड पर ये चल रही है, ये देखिए। तो इस तरह की समस्याएं हैं। और एक और मज़ेदार बात कि हमारी स्टेपनी गिर गई, तो साथ के लोग जो हैं वो स्टेपनी को लेकर आ रहे हैं, ये देखिए। विक्की अपनी गाड़ी से आए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जो कुछ दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लाजवाब। और ये ओम पर्वत का व्यू पॉइंट, 14,000 फीट से अधिक की हाइट और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही है हम लोगों को। काली माता मंदिर और ये त्रिशूल है, ये हमारा जो ट्रैकर ग्रुप है उसके द्वारा लगाया हुआ है। हाँ, तो कहाँ कहाँ लगाया जगदीश जी? एक यहाँ लगाया, हाँ, और एक लगा आदि क्लास में। अच्छा, दो त्रिशूल हम लोगों ने लगाए। कल हम नंदी बराज की स्थापना करने वाले हैं वहाँ पे आदि क्लास में, कल होगी। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये त्रिशूल यहाँ पर हमारे ट्रैकर ग्रुप द्वारा लगाया गया है 9/6/2024 में। हाँ, 9 जून 2024 को होनी है, हाँ, नंदी की स्थापना होनी है आदि कैलाश में, उसी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए। दो कछुए भी लेके आए हैं अभी हम। हाँ, एक कछुआ इसमें रखे हैं, हाँ, और एक कछुआ वहाँ पे। दो कछुए लाए हैं, एक कछुआ यहाँ छोड़ रखेंगे हम लोग और दूसरा आदि कैलाश। तो ये है हम लोगों का ट्रैकर ग्रुप जो इस तरह के कामों में भी रुचि लेता है। हम लोग किसी तरह से यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर व्यवस्था का आलम यह है कि हर तरफ मोनोपली वाली स्थिति है कि आप मेरी शर्तों पर रहना चाहो तो रहो, नहीं तो परेशान होते रहो। और यहाँ जब शाम ढलने लगती है तो मिनट मिनट में रेट बढ़ाते चले जाते हैं, चाहे टेंट खाली हो, रहने की व्यवस्था हो, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है किसी बात के लिए। और नहीं, बिल्कुल, और मैं यहाँ की बात सबको पता लगनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए। और इस बात को मैं ITBP के साथ उठाऊंगा कि उनके नियंत्रण में यहाँ के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। जितनी इन्वेंट्री है वो ऑनलाइन दिखनी चाहिए कि यहाँ पर अगर 200 लोगों की व्यवस्था है तो उसमें कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भर गई हैं, ये ऑनलाइन रहना चाहिए और वहीं से बुकिंग होनी चाहिए। मुझे गांव वालों का हक नहीं मानना है, लेकिन गांव वालों को ये ताकत भी नहीं देनी है कि वो हमें ब्लैकमेल करें। तो इस तरह से हम बड़ा निराश होकर यहाँ से अब हम वापस लौट रहे हैं। हमारा 10 लोगों का ग्रुप था और कोई यहाँ से कोई मदद करने को तैयार नहीं है, तो अब हम वापस चलते हैं। पूरी रात कुटी गांव में रुकने के पास, जो यहाँ से 12 किलोमीटर है, हम वापस लौट कर आ गए आदि कैलाश। नहीं, और ये है पार्वती सरोवर जो आदि कैलाश में ही स्थित है। यहाँ पर आपको गौरीकुंड, पार्वती सरोवर और यहीं पर आदि कैलाश मंदिर, पार्वती का मंदिर, तो ये सब यहाँ देखने को मिलेगा। ये आदि कैलाश का नैनाभिराम दृश्य। ऊपर कुछ बादल आए हुए हैं और हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करते हैं कि बादल उड़ने के बाद कुछ ऐसा मिले जब हम और अच्छा फ़ोटो खींच सकें। ये बेस कैंप जहाँ हम लोग गाड़ियाँ छोड़कर और फिर ट्रैक करते हुए इन सब जगहों को घूमते हैं और देखते हैं। आसपास का नैनाभिराम दृश्य बहुत ही सुंदर, दूर दूर तक बर्फ़ जमी हुई। इस साल बारिश कम हुई है इसलिए यहाँ बर्फ़ भी कम है, नहीं तो इन दिनों भी यहाँ पर बर्फ़ अच्छी खासी मिल जाती थी। जो हमारे साथी पहले आ चुके हैं उन्होंने बताया कि जब वो 2 साल पहले जून में आए थे तो यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी।
मैं चल रहा हूँ, छट रहा है बस, छट ही है। तो इस तरह का पूरा नज़ारा बहुत ही रमणीक, मन को शांति देने वाला, सुखद अनुभूति। और ये 360 व्यू के बाद अब हम फिर से हमने देख रहे हैं आदि कैलाश पर्वत। हाँ, और ये हमारे टीम मेंबर्स जिन्होंने यहाँ नंदी की स्थापना की है, 40 क्विंटल वजनी नंदी की प्रतिमा, इसकी स्थापना की गई है हमारे ट्रैकर ग्रुप द्वारा, और ITBP ने सहयोग दिया तब ये प्रतिमा वहाँ तक पहुँच सकी। ग्रुप के सारे साथी बैठे हुए हैं, और पहले चिंता की बात थी कैसे पहुँचेगा, लेकिन जब पहुँच गया और स्थापना हुई तो सब बड़ा खुश हुए। और ये त्रिशूल भी हमारे ट्रैकर ग्रुप द्वारा लगाया गया था, और ये वो कुछ सुख के क्षण जब हमें बहुत अच्छा लग रहा था और हमारे साथियों ने कुछ फ़ोटो खींचे आदि कैलाश के। बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे साथ के लोग, ये लोग, हम लोग रामगढ़ से गए थे और कुछ लोग जो गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग देश के अलग हिस्सों से आए थे, वो सब लोग मिले। मेरे बगल में हैं दिनेश बिष्ट, उनके बगल में विक्रम बिष्ट, उनके साथ ही हैं महेश रैकवाल, और उनके बगल में जगदीश बिष्ट। जगदीश बिष्ट हमारे ट्रैकिंग ग्रुप के लीडर हैं। तो इस तरह से हमारी यात्रा संपन्न हुई।